हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड कनेक्शन। मैं हूँ उमा। आज हम बनाएंगे मखाना का खीर। तो चलिए, ये व्रत का खीर होता है जो फास्ट में खाया जाता है। आप वैसे भी बना के खा सकते हैं जब भी आपका मन करे तो बनाना। चलिए, कुछ सामग्री चाहिए जैसे मखाना 50 ग्राम, शुगर यानी कि चीनी 100 ग्राम, घी मखाने को फ्राई करने के लिए, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से इलायची, 2-3 दरदरे कुटले, केसर के धागे, इसमें मैं दूध डाल के गरम दूध डालूंगी ताकि ये पीले कलर छोड़े, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और दूध, 1 लीटर फुल क्रीम दूध मैंने लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें घी डाल रही हूँ, हल्का सा घी गर्म होगा, घी गर्म हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ मखाना, और मखाना को चलाते हुए 4 से 5 मिनट, बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं मेरे फ्लेम बिल्कुल लो पे है, इसे लो फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट तक भूनना है। इसके बाद मिक्सी में यानी कि ग्राइंडेड में हल्के से दरदरे से पुश बटन होता है ना, वो दबाकर इसे दरदरे से पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं तो आप उसे स्किप छोड़ दें। क्या करें कि मखाना ले और एक थाली ले, हाथ से भी आप ये कर सकते हैं या ग्लास ग्लास के प्रेस से कर सकते हैं, फिर होते हैं ना खलबट्टे जो पीसने वाले होते हैं उसे कर सकते हैं। आप इसे थोड़े से मोटे पाउडर बना लें। ये देखिए बिल्कुल जैसे हैंड के प्रेस से ये पाउडर बन रहा है। और अभी कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा सा चला देती हूँ, नहीं तो ये जल सकती है। अब मेरा अब दूध ये बॉयल हो रहा है, इसमें 2 बॉयल आ चुका है। मैंने दूध को मीडियम फ्लेम पर बॉयल किया ताकि थोड़ा सा टाइम लगे और धीरे धीरे दूध बहुत ही अच्छे से बॉयल हो। तो यहाँ पर बिल्कुल लो कर ली, तो मैंने कुछ इस तरह से मखाना का पाउडर बना लिया। थोड़ा सा दरदरी पाउडर बनाना है। मिला लेते हैं, बहुत ही अच्छे से पाउडर हो चुका है। इस तरह भी ब्लैक पाउडर मैं अभी इसी टाइम इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट किशमिश डालूंगी, इलायची, इसे बॉयल होते हुए 5 मिनट हो चुका है। मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। केसर वाली दूध ये केसर की धागे केसर बिल्कुल ऑप्शनल है। केसर डालने से बिल्कुल पीली खीर बनती है, अच्छा दिखता है कलर, इसलिए इस तरह से फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे यानी कि गाढ़ा होने देंगे। लग रहा है कि दूध ठंडा ये हो रहा है, बहुत कम बवाल आ रहा है, तो फिर इसे फ्लेम हाई कर दे। इसी तरह करके इस खीर को 15 से 20 मिनट पकने में लगेगी। प्लीज़ फ्रेंड, आपको अगर मैं ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। साइड साइड से हटाते रहना है।
लेना मुझे। जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी दूध अभी गाढ़ी हुई है, इसे 10 मिनट तक और पकाऊंगी मैं, बहुत ही अच्छी गाढ़ी दिखेगी, बहुत ही अच्छा खीर बन के तैयार होगा। इस तरह से कुछ कलर दिखेगा खीर का। आप चाहे तो अभी भी बंद कर सकते हैं क्योंकि कम्प्लीटली ये हो चुका है, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी क्योंकि जो दूध है वो मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा है, थोड़े से और गाढ़े हो जाए तो बिल्कुल रेवड़ी जैसी लगती है खाने में। अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी आप बंद करके सकते। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज है, मैं कलर के नज़दीक से दिखाती हूँ। खीर बन चुका है, देखिए कि ज़्यादा बॉयल आ रहा है, देखिए हमारी दूध बिल्कुल गड्ढी हो चुकी है। मैं आपको सब करके दिखाती हूँ। ये लीजिए हमारा खीर बनके तैयार है, आप इसे व्रत में ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में।